जम्मू कश्मीर स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। इतना ही नहीं, लाखों भक्तों को इसका लाभ भी मिल रहा है। दरअसल वैष्णो देवी भैरव घाटी रोपवे शुरू हो गया है। इससे माता के भक्त मंदिर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजभवन से ई उद्घाटन कर रोपवे का शुभारंभ किया। शुरुआती दौर में रोपवे पर निशुल्क सेवा दी गई, जिसका हजारों भक्तों ने लाभ उठाया। सेवा का शुभारंभ होने के बाद से यात्रियों को ₹100 भुगतान करना पड़ेगा। ट्रायल के दौरान मां के जयकारों से पूरा भवन और घाटी गूंज उठी। रोपवे चालू होने से यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा होगा, क्योंकि लाखों श्रद्धालु घाटी चढ़ाई देखकर ही वापस लौट जाते हैं। ऐसे में रोपवे चालू होने का फायदा ऐसे श्रद्धालुओं को मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि भवन में दर्शन उपरांत भैरव के दर्शन करने से मां की यात्रा को पूर्ण माना जाता है, मगर भवन पहुंचने के बाद यात्री थकावट के कारण भैरव मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं। ट्रायल वाले दिन यात्रियों में भैरव मंदिर जाने का काफी उत्साह देखने को मिला। इधर यात्रियों का कहना है कि रोपवे चालू होने से समय की बचत होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।